मेरा एक क्वेश्चन था। जी फरमाइए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हमारी जो इंडियन आर्मी है, जैसे अभी पिछले अटैक हुआ कुछ दिन पहले और 5 हमारे सोल्जर्स को मतलब मरे हैं, और जितने मतलब सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पे भी मरते हैं मतलब देश के लिए जैसे अपनी जान देते हैं, तो वो कहाँ जन्नत में जाएंगे या मतलब उनको हेल ये में जाना वाक्य पड़ेगा? मेरे में नहीं है, कभी कुछ दिन पहले 5 मरे हैं, ये कहाँ हुआ, हाँ जी, ये कहाँ ये पर हुआ पूंछ में वाक्य? हुआ ना, अच्छा अभी पूंछ में, अच्छा जी पूंछ जी जी ठीक JNK है में जी। तो उनको आप जन्नत में वो ले एक जाना तार का चाहते सामान हैं? लेके जा रहे थे ना, मतलब कुछ ऐसा, वो मुसलमान थे कि गैर मुस्लिम थे? वो सिख थे उसमें से, बाकी हिंदू थे दो। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग जब जन्नत को मानते ही नहीं है तो उनको जन्नत में क्यों भेजना चाहते हैं? नहीं मैं हजरत, पूछना चाह रहा उससे हूँ भी सिर्फ ज्यादा, कि उससे भी आपकी। ज्यादा हजरत, एक मिनट एक मिनट हजरत, आपने बेहतरीन पूछ लिया इनसे, वो तो उसूरी सवाल है। मैं इनको कहता हूँ, देखे भाई, जो है ना मुसलमानों की जन्नत, वहां तो 72 से ज्यादा 72 लिमिट है। आपके पास 1000 अफसराए हैं, जाने दे उनको सनातन के स्वर्ग के अंदर, 1000 सही, अफसराए एंजॉय करें। आपने जरूर मुसलमानों की जन्नत में घुसेड़ के उनको लिमिट करवाना है, तो भाई ना टेंशन ले आप, मतलब उधर नहीं नहीं जाने दे यानी उनको। ये तो नहीं, मैं 900 इसलिए से पूछ रहा ज्यादा हूँ का ना, नुकसान हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपके आपके मतलब आइडियोलॉजी उसके अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे वो, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं सिर्फ, नहीं, क्योंकि मैंने हमारे आपको में अगर ये बताया। है कि देखिए, ये सवाल जो है, ये सवाल क्यों किया जाता है? ये सवाल इसलिए कि भाई मुल्क के नाम पर जो भी शहीद हो रहा है, मर रहा है, वो जन्नत में जाएगा या वो स्वर्ग में जाएगा? क्या ये बुनियाद है जन्नत में जाने की या जहन्नम में जाने की, या खुदा पर ईमान लाना और न लाना बुनियाद है जन्नत और जहन्नम में जाने की? अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम ऐसा ही है जैसा कि कोई भी सेक्युलरिज्म होता है, जैसे एक इंसान ने सेक्युलरिज्म बना दिया वैसे इस्लाम भी किसी ने बना दिया, उसमें अल्लाह का कोई किरदार नहीं है, अगर आप ये समझते हैं तब तो शायद आपका सवाल जेन्युइन है। लेकिन आपको भी पता है कि इस्लाम की बुनियाद अल्लाह के ऊपर ईमान पर है, अल्लाह पर ईमान लाने पर है। तो जब ये बुनियाद है तो ये सवाल आपके जहन में आता किस बुनियाद पर है भाई? नहीं, वो ठीक है आपकी बात, वो तो आपके आपका व्यू है, मैं तो पूछना चाह रहा हूँ सिर्फ कि अगर मतलब आपके अकॉर्डिंग इसमें उन्हें मिलना मैंने क्या, जवाब दे मतलब अगर दिया, हम ये बोलते मैंने हैं कि जवाब दे दिया कि हाँ जी जन्नत में जाने की बुनियाद अल्लाह पर ईमान सिर्फ लाना वही है, है। अल्लाह पर अच्छा ईमान लाना जैसा कि उसने ईमान लाने का हुक्म दिया, ये जन्नत में जाने की बुनियाद है। अब कोई आदमी किसी मुल्क के ऊपर या उसके नोबल कॉज के ऊपर अपनी जान निछावर कर दे तो वो उस मुल्क की पैरामीटर्स और उसके स्टैंडर्ड के अतबार से बहुत अजीम हो सकता होगा, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, बहुत अजीम हो सकता होगा, और वो हर मुल्क में है। लेकिन आप उसको ये कहेंगे नहीं, चूंकि वो हमारे नजदीक अजीम है लिहाजा जन्नत ही में जाएगा। तो भाई जन्नत मैंने और आपने तो नहीं बताई, जन्नत में जाने की बुनियाद तो ईमान, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है। ठीक, तो मतलब ये हुआ कि चाहे मतलब जो भी अच्छे काम भी करे कुछ भी पूरी जिंदगी, मतलब अगर वो इस्लाम में जैसे अल्लाह को नहीं मानेगा तो वो जाएगा नहीं, मतलब हेल में ही जाना उसे, ये हो गया मतलब यही, इसका इसके कंक्लूजन। अलावा कोई दूसरा मतलब अगर निकालेगा वो खुद जन्नत में नहीं जाएगा अगर वो मुसलमान है, अगर वो मुसलमान अच्छा है और इसके अलावा कोई दूसरा मतलब निकालेगा जन्नत से महरूम हो जाएगा वो खुद, क्योंकि वो फिर ईमान बिल्लाह का इंकार कर रहा है। ये आपको असल में, ये आप लोग सवाल क्यों करते हैं, एक साहब ने सही तवज्जो दिलाई है, ये आप लोग सवाल इसलिए करते हैं ताकि आप मुसलमानों की हुब्बुल वतनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क कायम कर दें। नहीं, आप ये ऐसा कहें कुछ नहीं। कि मुसलमान जो है वो देशभक्त नहीं होते हैं, मैं एक चीज बहुत वाजे अंदाज से कहता हूं, वो ये कि हमारे नजदीक वतन से मोहब्बत सेकेंडरी है। तमाम हिंदुओं को और तमाम लोग मुसलमानों को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि वतन से मोहब्बत चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, नंबर 2 है। नंबर 1 आपके नजदीक आपका दीन है, ठीक है, जिस तरीके से हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके नजदीक उनकी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन नंबर 1 है, दीन उनका जो देश है वो नंबर 2 है। आप खुद भी देश को नंबर 2 पर रखते हैं, आपके यहां देश नंबर 1 नहीं है, इसको आप निकाल दें अपने जहनों से कि हम देश को नंबर 1 रखते हैं, नहीं, आप भी नंबर 2 रखते हैं। आपने सिविलाइजेशन को कि जिसको इंसान ने बनाया नंबर 1 रखा, हमने दीन को जिसको खुदा ने दिया नंबर 1 रखा। अब मुझे तो आप बताइए ये आप बोल रहे हैं देश को कि नंबर 2 क्यों रखते हैं? हमारा रिलीजन जो हिंदुइज्म जो भी है वो हमने खुद बनाया? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिविलाइजेशन की बात की है मैंने, मैंने रिलीजन की बात नहीं की है, मैंने सिविलाइजेशन की अच्छा। बात की। सिविलाइजेशन तो इंसान ही बनाता है ना। ठीक, तो तो अब बस मुझे मेरा तो आप यही था कि बताइए, मतलब मुझे मुझे आप हाँ खुद जी, बताएं कि क्या आपके नजदीक देश नंबर 1 है या नंबर 2 है, नंबर 2 है? नहीं हमारे में तो ये, हमारे में तो एक श्लोक भी आता है जिसमें लिखा है कि मदर एंड
मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन, यानी कि तो उनको हम ये बोलते हैं कि यहीं पर भी जाइए, तो आप इस श्लोक की वजह से मदरलैंड को नंबर वन रखते हैं? नहीं, नंबर वन की ये बात हुई ना, अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर हमारे में अगर ये है नहीं, कि अगर कोई मर गया, मान लो इसका फौजी मैं है, समझ गया, इसका जवाब दे दिए मुझे, इस श्लोक की वजह से हाँ जी आप मदरलैंड को नंबर वन रखते हैं, राइट? नहीं, हम तो फर्स्ट पे तो हम इसे रखते हैं ना कि हमें गॉड की बात माननी है और जो हमारे रिलीजन को फॉलो करना है, तो पर बस बात हमारे में खत्म हो सेकंड में गई, ये है कि तो बस बात खत्म नहीं, हो गई। फिर प्रॉब्लम ये है ना, देखो प्रॉब्लम ये है मुफ्ती साहब कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं कोई बंदे ने अच्छा काम किया है, चाहे वो एथिस्ट भी है, ठीक है, एथिस्ट या कोई भी लगा लो जिसने अच्छा काम किया है, तो हमारे में ये, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि हमारे में उसके कर्म के हिसाब से उसका एंड रिजल्ट डिसाइड होगा कि अच्छा है बुरा। पर अगर आप ये बोल रहे हो कि जो अच्छा काम करेगा अभी पूरी जिंदगी और गलत, उसे जाना फिर भी हेल में है, तो ये गलत थोड़ी सी गलत मुझे बोल अजीब रहे हैं, लगती है बात। गलत बोल रहे हैं। आपके धर्म में नहीं है, दो बातें यहां रखना चाहता हूं। एक तो हाँ आप जी, मदरलैंड को डिफाइन कैसे करेंगे? मदरलैंड किसे कहते हैं? मदरलैंड जो हमारी एक जिसे बोल जाते हैं देश, या जिस चीज में हम रह रहे हैं सराउंडिंग में। नहीं, जिस वक्त श्लोक किसका है, श्रुति का है, स्मृति का है? ये स्मृति का, स्मृति का है। कौन सी स्मृति है? ये यज्ञवल्क्य किया शायद। यज्ञवल्क्य जो है वो वही जो जिन्होंने वेदास के भी लिखे हैं, ऋग्वेदा के मंडल भी, यज्ञवल्क्य। हाँ, और जो अब उपनिषद हैं सवाल, जिनके कभी हाँ बृहदारण्यक हो ठीक गए। है, हाँ, वेद। अब सवाल ये है कि जिस वक्त यज्ञवल्क्य थे ऋषि मुनि, उस वक्त कौन सा देश था उस नंबर वन? वक्त भी आता है पूरा, एक वो लिखा हुआ कि जो हिमालय की उसकी पूरी लिखी हुई कि पंजाब हिमालय से से, घिरा हुआ जो। पंजाब अमृतसर से आसाम तक था, मणिपुर तक, अब उससे ऊपर मेरा सवाल है, इससे भी उससे ज्यादा था ऊपर उस टाइम तो। ये, हाँ सुने हाँ सुने सुने सुने, उससे ऊपर ठीक जाने है। लगा हाँ हूं मैं, उससे ऊपर जाने लगा हूं। ये है हाँ कि जी। ये तो वो हैं यज्ञवल्क्य लिखने वाले जो बाद में आए और ये इस तरफ आ गए हिमालय साइड पे, जो वेदाज हैं वो कैसे इंपोर्ट हुई इन हिमालयाज के अंदर? वो तो बाहर से आए थे, उनका मदरलैंड तो ये था ही नहीं। इम्पोर्ट? हाँ जी, नहीं, कौन बाहर से आए थे? आर्यन का, आर्यन इन्वेजन की बात कर रहे हो क्या आप? आर्यन इन्वेजन की बात नहीं नहीं कर रहा हूँ। नहीं आर्यन कहाँ से आए थे? भाई, वो तो हमारी आईआईटी है ना, जो आईआईटी सबसे वर्ल्ड में इंस्टीट्यूट, उसने भी सुने डिबंक सुने, किया हुआ। वो तो टॉपिक ओ नहीं है सर अभी, सर 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 उसे तो उन्होंने छोड़ दो, डिबंक मैं किया तो हुआ सिर्फ है। ये एक पूछ मिनट रहा। सुने, मैं इसलिए पूछ रहा, हाँ एक जी मेरा पहला ये पॉइंट हजरत, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिएगा, जी उसके बाद जी मैंने जी दूसरा, जो जी इन्होंने कहा हमारे यहाँ तो नास्तिक भी स्वर्ग में जा सकता है। सवाल जी नहीं ये नहीं मैं ये है नहीं बोला मैंने, जिन जो स्वर्ग वाली वेदा, बात, सुनने मैंने जरा, कहा कि सुन ले उसके सुन ले कर्म। सुन ले हाँ जी, सुन ले, चलो बोलो। मैं करता हूँ, वो दूसरा पॉइंट है, मैं पहले करता हूँ। ठीक है। आप कह रहे हैं मदरलैंड देश है, मैं कह रहा हूं जब देश का नामो निशान नहीं था उस वक्त श्लोका मौजूद था। चलो उससे पहले वेदास जो इंपोर्ट करके लाए हिमालय के अंदर वो किस देश के थे? उनका मदरलैंड तो ये नहीं था। आर्यंस की इन्वेजन तो यूरोपियन साइड से हुई है, ये तो स्वामी दयानंद मैंने आपको सरस्वती से बोला अति नहीं, सत्यार्थ आर्यन प्रकाश में भी इन्वेजन मानते हैं। भाई, आर्यन इन्वेजन जो टॉपिक है उसे हमारी आईआईटी, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है और पूरी ओ सबसे भाई, वर्ल्ड में प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, एक उसने मिनट तक इसको मतलब विद नहीं, प्रूफ उस टॉपिक पे एक डिबंक मिनट किया देखो, अभी। उसने डिबंक किया एक है। मिनट आबिर भाई, एक मिनट, हाँ जी, उसने भी डिबंक आईआईटी किया, वर्ल्ड डिबंक में किया जिसने सबसे हमारे। प्रीमियर इंस्टीट्यूट है यार, ये आप लोग किस दुनिया में कहां से रहते आते हैं? हो? हाँ आईआईटी आप इंडिया की सर्च करो दुनिया गूगल में, पे, वर्ल्ड में आईआईटी कहां नंबर पर वन, है। नंबर वन प्रीमियर नंबर वन नहीं कहा मैंने, इंस्टीट्यूट आपने मैंने कहा कहा कि सबसे वो प्रीमियर, सबसे प्रीमियर सबसे इंस्टीट्यूट है। प्रीमियर। नहीं, सबसे भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है कि सबसे प्रीमियर जैसे बोलते थे कि टॉप में आता है, तो अब वो दूसरा आईआईटी सुन की लें, टॉप थी अच्छा उसमें। नहीं, अब एक मिनट दूसरा जाइए सुन आमिर लें, भाई, लिस्टिंग में आमिर भाई एक अभी मिनट रुक जी जाइए, जी एक मिनट जी आमिर जी भाई, एक मिनट रुक जाइए। जी जी सनातनी भाई, हाँ क्या जी, आप पाकिस्तान को मदरलैंड मानते हैं? ये वो क्यों, उनका, मेरा तो नहीं है, वो उनका है। अरे जिस वक्त जो यह श्लोक पाकिस्तानी है लिखा गया उस वक्त पाकिस्तान मदरलैंड में था आपकी, तो वो पूरा एक बेड़ा भारत का गर्क हिस्सा था ना। तो अभी अरे नहीं है क्या? आपके उस श्लोक के मुताबिक वो मदरलैंड है आपकी, आपने उसको मदरलैंड होने से क्यों, आपने क्यों उसका वो काट दिया कि भाई नहीं, ये मदरलैंड नहीं है, भाई महज हजरत दो आप, अंग्रेजों की हजरत वजह आज से, हो गए हमारा हिस्सा, हजरत आज महज आपने दो तीर मार अंग्रेजों की दिया, वजह से हजरत हीरो आज आपने के तीर हमारा घुसेड हिस्सा है, वो दिया, तो सीधी बोलते बात हैं। है। वर्ल्ड मेरा ओल्डेस्ट सवाल, एक रिलीजन। मिनट, राठौर जी, हाँ जी, राठौर हाँ जी, हजरत ने जी, जो हाँ जी। सवाल पूछा है वो उसका जवाब तो कयामत तक आप दे नहीं सकते, सीधी बात है। वो ऐसा नहीं, मैंने तो बोल दिया कि पीओके भी हमारा यॉर्कर, ही है। वो ऐसा यॉर्कर है कि वसीम अकरम ने भी वो यॉर्कर नहीं मारा होगा जो पीओके आप यॉर्कर ने ले लीजिए, कोई मारा मसला नहीं, पिशावर भी चाहिए कि ठीक नहीं, है। सब सब सारा चाहिए हमें तो, वैसे तो पाकिस्तान फिर आप सारा दे दो उसको चलो। मदरलैंड माने, तभी तो मिलेगा हाँ ना। मैंने मैंने बोला ना कि हमारे ये है कि मदरलैंड की अगर डेफिनेशन में भी जाएंगे हम निरुक्त में, तो वो ये बोलता है कि जो हमारी सराउंडिंग है, जो एक बाउंड्री डिसाइडेड है रूलर के द्वारा, ये वो डिसाइड हमारी किसने मदरलैंड उस किया? टाइम की एक है। मिनट, ये डिसाइड किसने किया? दो गोरों ने किया, ठीक है कि अच्छा ठीक और है। आप उन दो गोरों की बात पर अपने उस श्लोकों को त्याग देंगे? मैंने तो बोला कि निरुक्ति ये बोलता है कि जो जिस टाइम का रूलर डिसाइड करेगा, जो जिस बाउंड्री को हमें उसे मानना मदरलैंड,
वो हमारी पूरी पूरी की पूरी सराउंडिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ फिर रूलर अबव हुआ ना, कि वो मदरलैंड डिफाइन कर रहा है, फिर रूलर जो है अबव हुआ आपके नजदीक, आपके यहाँ उश्लोक भी अबव नहीं हुआ, मजहब भी अबव नहीं हुआ, रूलर ने जो कहा वो सही है और जो नहीं कहा वो गलत है। श्लोक नहीं रूल दे दिया ना, श्लोक ने फिर ये आप, दे फिर दिया आप कि हमें एक बात बताइए, अगर रूलर, अगर रूलर का ही कहा सब कुछ है तो आपके यहाँ अखंड भारत का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और वो अभी तक क्यों बाकी अखंड अखंड भारत तुम ये बोलते थे कि सारा का सारा पहले जितना अफगानिस्तान कंधार हो सारा का सारा इस एक उसमें आता था एरिया में, तो ठीक बोलते है। थे हम। तो अब अखंड भारत का जो तस्वुर है वो खत्म हो चुका आपके नजदीक, अब आप अखंड भारत के ख्वाब नहीं देखते ख्वाब देखने में तो देख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें। देख रहे हैं, देख रहे ख्वाब हैं, दैट इज द पॉइंट, हाँ दैट इज द वो पॉइंट। आपने जब रूलर ने ये डिसाइड कर दिया कि देखो अमृतसर से आगे नहीं बढ़ना है वरना लाहौर आ जाएगा, ठीक है, तो अच्छा अब लाहौर और फिर पिशावर के और आगे जाकर काबुल के ख्वाब देख क्यों रहे हैं? नहीं, आप तुम एक क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में ले गए, मैंने आपसे तो जो पूछा था वो तो अलग मदरलैंड ही की चला वजह गया से ले बिल्कुल। गए? ओहो, जी मदरलैंड की वजह से ले गए ना, यही भाई सवाल वो उधर तो ही मैंने है, बोल दिया बात ना कि उधर ही है। मदरलैंड की तो बात ही नहीं हुई थी, वो तो बाद में हुई की बात, कि फर्स्ट में आपने ओहो पूछा कि बात, गोड को रखते हैं मदरलैंड को, तो मैंने बोला कि हम सेकंड पे रखते हैं मदरलैंड को, गोड तो मैंने हमारे रिलीजन है ही, ठीक है। सेकंड। मैंने तो अच्छा क्वेश्चन ये अच्छा एक पूछा और था कि सवाल जो, करता हूँ, एक और सवाल करता हूँ हाँ सनातनी जी भाई। एक आदमी जो हाँ है जी हाँ जी अपनी जिंदगी में बहुत नेक है, ठीक है, मसलन एक मुसलमान है, वो मुसलमान ठीक ईमानदार है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, लेकिन और इंडिया में भी, ठीक है इंडिया में रहता है लेकिन इंडिया से नफरत करता है। अब बताएं वो स्वर्ग अच्छा में जाएगा या नहीं जाएगा? मैं एक वैसे ही सिनेरियो दे रहा हूं। जी हाँ इस हाँ अगर ये बात देखोगे आपकी, अगर स्वर्ग नरक इससे डिसाइड कर रहे हैं कि हम कि सिर्फ एक चीज से, तो इसका कोई दिया नहीं हुआ रूल कि वो स्वर्ग में जाएगा अच्छा नरक में। अच्छा अब एक चीज आ अगर गई, अकेला पहले तो चीज आप से हम कर्म कह रहे थे, इससे इसका मतलब है डिसाइड चीजें ऐड करोगे होती जा रही हैं आपकी बास्केट में। जी नहीं, मैंने बोला ना कि मैंने तो आपसे पूछा था कि अगर आपके अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे जो नहीं, सारे हम आपके सोल्जर अकॉर्डिंग पूछ मरेंगे। रहे हैं ना, हम आपके अकॉर्डिंग जी पूछ तो रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग तो अगर बताएं। गीता गीता में ये लिखा है कि जो, जैसे ये लिखा है एक श्लोक भी आता है शायद उसका चैप्टर 8 7, उसमें ये लिखा है कि जो लड़ते हुए मरा मतलब वीर गति को प्राप्त हुआ जो अच्छे कोज के लिए, उसके लिए तो ओहो, स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं। नहीं, उन्होंने पूछा है, हजरत ने जो चीज पूछी है, एक बंदा बड़ा अच्छा इंसान है, अच्छे नेक काम करता है, पुण्य के सारे काम करता है, ओ मगर ये है कि हिंदुस्तान से वो नफरत करता है, ये उन्होंने सिनेरियो दिया, अच्छा, पॉसिबल और ऐसा होना इंडिया नहीं, में रहता है, नहीं ठीक इंडियन है, इंडिया में इंडियन है, और इंडिया इंडिया से में नफरत रहता है, करता है, तो फिर वो सिनेरियो है नरक में तो वो, नहीं जाएगा, नहीं नरक में नहीं जाएगा फिर वो, स्वर्ग में ठीक जाएगा। हो। हाँ अच्छे काम की वजह जा सकता है स्वर्ग में, तो इसका मतलब ये हुआ जबरदस्त। कि फिर मोहब्बत, वतन से मोहब्बत कोई चीज नहीं है आपके यहाँ, नहीं कोई, मैंने फिर क्या अब बोला, इस कोई है श्लोक ना की, बात नहीं बोला। अब श्लोक की कोई हैसियत नहीं रही, फिर वतन से मोहब्बत की तो एक ऐसा ऐसा एक वो हो गया शराब, एक रेत के जिसमें चाहे उसको ढा दो, नहीं ये नहीं तो कोई मतलब ही नहीं मुफ्ती हुआ। साहब देखो, अब इसमें यही बात आ गई ना कि आपके आपके अकॉर्डिंग तो ये हो गया ना, अच्छे काम करे चाहे देश से नफरत करे फिर भी उसे अगर अल्लाह पे ईमान नहीं है तो नरक में जाएगा, पर ये मेरे तो में आप ये भी तो कह है रहे ना हो कि भाई, ये तो आप भी कह रहे हो कि अच्छे काम करे चाहे देश से नफरत करे स्वर्ग में जाएगा, और हमने कहा कि एक अच्छे काम करे और अल्लाह के ऊपर ईमान न लाए तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। मेरे और आप में फर्क बताइए किधर है? अब फर्क ये है ना कि मेरे में ये है कि अगर अच्छे काम कर रहा है ठीक है तो उसे स्वर्ग में जा सकता है, पर आपके में ये है कि अगर अल्लाह पे ईमान एक चीज पे छोड़ दिया उसने, ये शिर्क है जो भी किया, तो वो तो हमेशा के लिए खत्म हो गए ना उसके काम जो अच्छे किए थे उसने पूरी जिंदगी के अच्छा, लिए। अब इस पर आ जाते हैं कि हाँ जी अच्छे काम की डेफिनेशन क्या है। अच्छे काम की अच्छे काम डेफिनेशन, की हाँ बोलिए, आप अपने डिफाइन कर दीजिए। जी ठीक है, अच्छे काम की डेफिनेशन हमारे में जैसे धर्म के काम बताए गए हैं कि जो चीजें जिससे सोसाइटी का भला हो, और मतलब जैसे सच सच बोलना, ईमानदारी रखना, ऐसी ऐसी चीजें, इसे नोबल कोज में रखा गया है, तो ये अच्छे उसमें काम किसमें आ इंसाफ गए, और भी है, जिससे, इंसाफ भी होगा, जस्टिस हाँ होगी, जी इंसाफ हाँ होगा। जस्टिस होगी। अच्छा एक बात बताएं, क्या आप अपने रूलर के साथ इंसाफ करेंगे या नहीं करेंगे? उसके साथ इंसाफ करना अच्छी बात है या गलत बात है? रूलर के रूलर के साथ, साथ हाँ जो राजा है, हाँ करेंगे इंसाफ तो। इंसाफ होना चाहिए ना उसके साथ, अगर अच्छा है तो उसकी तारीफ करेंगे, बुरा है तो उसकी बुराई करेंगे, इंसाफ का मतलब तो यही हुआ ना हाँ भाई। जी बिल्कुल राम राज्य की आप तारीफ क्यों करते हैं? राम जी बहुत अच्छे राजा थे, यही तो वजह है ना, यही इंसाफ है। अच्छा अब ठीक मुझे बताइए कि जिसने राजा को बनाया है, क्या आप उसकी अकेली तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे, या आप उसके साथ नाइंसाफी करेंगे, उस राजा के साथ दूसरे राजाओं को बिठाकर, उस शहनशाह के साथ, उस मालिक यौमिद्दीन के साथ किसी दूसरे को बिठाकर, क्या आप उसके साथ इंसाफ करेंगे? क्या ये इंसाफ है? तो फिर ये अच्छा कर्म कैसे हुआ शिर्क करना? यही तो प्रॉब्लम है ना, आप आपने जो डेफिनेशन दी पॉलिथिज्म की, तो हमारे जो एक स्क्रोल का आर्टिकल है कि हिंदुइज्म वर्शिप मैनी देवता, तो इज दैट पॉलिथिज्म, और उन्होंने एक नई टर्म बोले कि पॉलीफॉर्मिज्म है,
हमारे में ये नहीं है कि हम अलग अलग डिफाइन करके बैठे हैं कि भाई ये अलग भगवान है, ये अलग है। हमारे में गॉड का कंसेप्ट तो वन ही है कि वन है, और ये इसकी डिफरेंट फॉर्म है। तो ये शिर्क वाला मुझे इसमें अप्लाई होता समझ नहीं आता ना हिंदुइज्म में, मैं इस ये तरह प्रॉब्लम इसलिए आती है। बताता हूं, हाँ देखें मैं उसकी एक मिसाल देता हूं आपको, वो मिसाल ये है और जी ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, मिसाल देता हूं मैं आपको। वो ये है कि आप एक राजा के मसलन प्रजा हैं, और आप राजा को ये कहें कि मैं मानता तो हूं कि ये दिन में राज करता है लेकिन ये रात में मेरी नौकरी करता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए कि क्या ये स्टेटमेंट राजा के उस मकाम और मर्तबे के खिलाफ है या नहीं है या आपने नहीं है? अगर आप इसको मेरी मेरी अगर बात का आप जवाब दे इसको दीजिए, हाँ जी मेरे हाँ साथ जी चलते रहे, ये उसके ठीक उसके है। मकाम और मर्तबे के खिलाफ है या नहीं? आप प्रजा हैं, वो हाँ राजा है, अगर राजा और के आप को ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक राजा तो है है वो लेकिन खिदमत मेरी करता है रात में, तो ये उसके मकाम और मर्तबे के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि हाँ ठीक है। आपने उसकी पावर्स को लिमिटेड कर दिया। आप एक तरफ ये अच्छा कहते हैं कि जो भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, वो लिमिटलेस है, वो ऑल पावरफुल है, वो ओमनीपोटेंट है, और आप उसकी सारी सिफात और कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करते हैं, फिर उसके बाद उसके मर्तबे को घटाते हैं कि वो फला मूर्ति में है, कैसे? वो फला इंसान में है, वो फला चीज के अंदर है, वो फला दरख्त के अंदर है, वो फला जानवर के अंदर है। अब आपने उसके मर्तबे को घटा दिया, तो क्या उसके नहीं नहीं मर्तबे को नहीं घटाना उसके साथ इंसाफ है और आप इसको पुण्य का काम कहते हैं? कैसे कह सकते हैं आप? ये आपने गलत बात बताई। ये आपने ये बोला कि हम ये बोल रहे हैं उस मूर्ति में है, क्योंकि हमारे में श्लोक आता है कि देवता ना मूर्ति में है, ना पत्थर में, ना लकड़ी में, देवता है मतलब दिल में, और भगवान भी दिल में है। तो ये हम सिर्फ उसको एक देवता अंडे में है, सिंबलाइज करते हैं कि भाई, हाँ जी, तो फिर मूर्तियों के सामने झुकने का क्या मतलब है? झुकने का मतलब ये है कि हम सिंबलाइज करते हैं। जैसे हम, अगर मैं आपकी फोटो ले लूं, ठीक है, मैं आपकी फोटो मेरे पास है, और किसी की फोटो है जैसे मोदी साहब की, किसी की, तो हम ये देखते हैं कि भाई हमें ये रिस्पेक्ट देनी, हम उसको रिमेम्बर करते हैं सिर्फ। ये तो कभी नहीं बोला जाता कि ये फोटो ही मोदी है या ये कुछ अब मान करेगी, लीजिए, ये तो हमें ठीक, पता है इस बिल्कुल, चीज बहुत का। अच्छी बात है। मान लीजिए मेरी फोटो आपने कभी नहीं देखी, ठीक है, हाँ और जी आप एक आदमी की फोटो उठा कर ले आए निहायत बदसूरत सा और कहा कि ये है फला साहब, और मेरी फोटो आपने कभी देखी अच्छा नहीं, तो ये तो आपने मेरी तौहीन कर दी। तो फिर ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि हमने, जैसे जो हम मूर्ति राम या कृष्ण की दूसरा उसकी हमने देखी दूसरा नहीं, तो हम सनातनी उनकी भाई, कैसे माजरत, बनाते हैं? मैं माजरत रोक रहा हूँ आपको, मेरा भाई बात बड़ी मजे की चल रही है। हाँ जी हाँ जी सनातनी भाई, आपकी शादी तो नहीं हुई होगी यकीनन, ऐसा ही है? नहीं नहीं अच्छा, अब माता पिता तो आपके हैं, ऐसे ही है? हाँ जी जीवित हैं दोनों, सदा सलामत रहें, बिल्कुल ठीक है? अम्मी कभी नाना के घर जाती होंगी, ऐसे ही है? ठीक है, अब्बू और आप घर में अकेले हों, कभी आपने देखा कि अब्बू आपकी अम्मी की तस्वीर को जो दीवार पर टंगी है देख के घंटों बातें कर रहे हों? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो फिर तो ये सिंबॉलिकली अम्मी के साथ भी करें ना अब्बू जी, ये मूर्तियों के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि ये हम ये हमारे अगर स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग जाए तो ये हमें आपने रूल है ना, एक तो आपने सबूत। अगर एक और बात बता दूं, आपने अगर कभी मोदी जी को ना देखा हो और आप राहुल गांधी की तस्वीर देखकर ये कहें कि ये मोदी जी हैं, तो मोदी जी आपको उठवा लेंगे, हाँ जी ठीक ठीक है। है। तो जब ईश्वर की तस्वीर नहीं, आपकी गीता कह रही है, तो आपने उसकी तस्वीर बना कैसे दी? तो हमने ईश्वर की कब बनाई, यही तो प्रॉब्लम है ना। आप ही तो कहते हैं कि हम सिंबलाइज कर रहे हैं। आप ओहो, सिंबलाइज राहुल अगर कर, गांधी की तस्वीर हम देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये मोदी हैं, जबकि आपने मोदी को कभी ना अगर देखा आपको हो। किसी ने अगर आपको किसी ने ये कहा हो आज तक, मतलब आपने किसी से सुना हो कि हम ब्रह्म की जो एटर्नल टाइमलेस और स्पेसलेस, उसकी हमने तस्वीर बनाई है, तो बताओ, हम ये बोलते हैं कि हमने तो राम की, कृष्ण की बनाई, जो अवतार थे, मतलब उसकी जो भी बनाई हमारे है। साथ ओहो, में आ चुके हैं, देरी बात सुने, ब्रह्मा की नहीं बनाई हुई है? विष्णु की नहीं ब्रह्म बनाई की, हुई? ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु तो शिव, ये तो मेरी देवता हो गए बात, ना। एक मिनट, वो देव नहीं, एक मिनट, वो भी तो उनका हाँ परतू जी है ना। ब्रह्म जो है, ब्रह्म वो तो एक सिफत है, उसके आगे परतू आपने बनाए हुए हैं। ये तो अवतार हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, ये तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। वो तो ब्रह्मा फिर इनकी विष्णु प्रॉब्लम क्या शिव, है फोटो आपने इनकी बनाने में? बनाई हुई है? हाँ जी आपने उनकी बनाई हुई है, उनको देवता हाँ, तो कहते हैं हमने आप? हमने देवता की बनाई ना, भगवान की तो नहीं बनाई ना, नहीं, एक मिनट, भगवान की नहीं बनाई आपने? ब्रह्म की कहाँ बनाई है, बताओ आप। एक मिनट, भगवान किसे कहते हैं फिर? लोग श्री कृष्णा को भगवान बोल रहे होते हैं। आर्या नहीं समाजियों की वेबसाइट में मैं देख रहा हूं, वो श्री कृष्णा को भगवान बोल रहे हैं। तो आप कह रहे हो भगवान की नहीं बनाई आपने? छोड़, मेरे भाई, अभी मेरी भाई बात, मैं आपको ये सिंपल कंफ्यूजन, सिंपल में बता ये रहा हूँ, कंफ्यूजन, तो ठीक है तौहीद का मकसद ये था, वो क्रिस्टल क्लियर, 2 + 2 = 4 की तरह होती है। कोई प्रतिमा नहीं, कोई उसकी बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, वो एक है, उसकी पूजा की जाएगी, दैट्स इट, सिंपल। पता नहीं कितनी कैटेगरीज वही। हैं, मैं खुद, मेरा बाल सफेद हो गए हैं हिंदुइज्म को जब से पढ़ना शुरू किया, अच्छा समझ नहीं आ रहा।
तो अभी मैंने दूसरी बात रखनी है, दूसरा पॉइंट था मेरा, वापस आ रहे हैं, दूसरा पॉइंट था। अब ये कह रहे हैं जी इस्लाम के अंदर कर्म के साथ साथ अकीदा ईमान देखा जाता है आपके यहाँ, यानी ये देखा जाता है कि अगर किसी बंदे के कर्म अच्छे हैं तो उसका अकीदा देखा जाएगा, नरक में फेंक दिया जाएगा। भाई कितनी बार भगवत गीता अध्याय 16 श्लोका 23 और 24 पढ़ चुका हूँ, यह शास्त्र विधि मुस्तद्रिय वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। ये 23वां श्लोका है, 24वें में लिखा है कि अगर चाहते हो पराम गतिम मिले, अगर चाहते हो सुखम मिले, अगर चाहते हो अल्टीमेट गोल और परफेक्शन और मुक्ति मिले, तुम्हें शास्त्रों के अनुसार चलना होगा। शास्त्र जब आपको ये कहता है कि ईश्वर का अकीदा रखना है, नास्तिकता नहीं मानी जाएगी। मैं वेद का श्लोक पेश कर चुका, नास्तिक को मार दो, वेद निंदक को मनुस्मृति कहती है। वेद नास्तिक कौन होता है? वेद निंदक। सुन ले जरा, स्कंद पुराण का हवाला पेश किया, कुर्म पुराण का हवाला पेश किया, जिसमें मैंने बताया कि परमेश्वर का ये फरमान है कि नास्तिक को नरक के अंदर डाला जाएगा, द टेरेबल नरक का नास्तिक को। अब नास्तिक क्या अच्छे कर्म नहीं करता? करता है, कर सकता है। कुत्ते को पानी पिला देना, सच बोलना, जस्टिस करना, नोबल डीड करना, ये नास्तिक भी कर सकता है, मगर फिर भी नरक में जाएगा, मुक्ति नहीं मिलेगी उसे। हाँ, यहाँ कर्मा की वजह से अच्छा फल मिल सकता है, ये तो हम भी मानते हैं। इस्लाम भी ये चीज, सुने सर, एक जुमला मुकम्मल करने दे। इस्लाम भी ये मानता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ, ठीक है, लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, बुखारी शरीफ की हदीस है, हर इंसान के लिए वही चीज है जिसकी वो नियत करता है। दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्हिद भी, नास्तिक भी, अगर कोई अच्छा काम करेगा, उसको यहां पर उसका फल मिलेगा, उसको रिजल्ट मिल जाएगा, मगर आखिरत में हकीकी अल्टीमेट जो प्राम गतिम है वो नहीं उसको मिलेगा। इतनी सी बात है, सेम पेज पे हम, ठीक। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो कोट करी वो तो लिखा हुआ है कि शास्त्रों की, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो हमारे में ये है ना कि अगर अगर अच्छे काम किए तो उसे उसके हिसाब से जज कर लिया जाएगा, फिर उसके बाद उसे वापस जन्म, जैसे हम बोलते हैं कि रीइंकार्नेशन, जन्म मिल सकता है। पर आपके में अटर्नल हेल में डालना तो मतलब मुझे अनजस्ट सा लगता है थोड़ा। आप साबित नहीं ना कर सकते, आपसे अभी सवाल पूछूंगा जो आप लॉजिक पेश कर रहे हो पुनर्जन्म की, उस पे काम खराब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपसे काफी बात हो चुकी है हजरत, बहुत बात हो रही है पुनर्जन्म पे, तो मसला आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, किसी और वक्त बात करेंगे, क्योंकि आप भी उसको इटर्नल चक्रव्यूह के अंदर फंसा देते हैं पुनर्जन्म की बात करके। तो चले, ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरे मौके पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। पुनर्जन्म और मल्टीपल साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ इटसेल्फ अ पनिशमेंट, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा। जी 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 अच्छा जी, ऐसे ही अच्छी गुफ्तगू रही माशाल्लाह। आमिर भाई, आप तो हाफिज़े गीता हो चुके हैं।